मतलब सच में इन 4 दिन में ना ये तो मैंने फील करा है कि एसी से ज़्यादा ना नेचुरल चीज में, चाहे वो धूप हो, ठंडी ठंडी हवा हो, या फिर ऐसे ऐसे पेड़ों की छाया हो। हेलो फ्रेंड्स, अमित पी और हर्षित कुमार, आप देख रहे हैं एचपी टॉक। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज 4 जून 2024 और टाइम हो रहा है 7:30। तो 7:30 बजे आज मैं आ चुका हूँ फील्ड में, देख सकते हैं और मौसम भाई साहब क्या गजब हो रहा है। मतलब इधर चेक करा मैंने मेरठ का, वहाँ तो दिखा रहा है 32 डिग्री, पर भाई साहब जो टेम्परेचर हो रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा और बिल्कुल सूर्य देवता भी आज तो बहुत ज्यादा शांत है। ऐसा लग रहा है जैसे 28-29 ही हो रहा हो, वैसे दिखा रहा है 32 डिग्री। तो जल्दी जल्दी आज रनिंग करते हैं, आज मजा आएगा। और कल हमने लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमने मारे थे 3 चक्कर नॉन स्टॉप और फिर बाद में 100 मीटर का कैच मारा था एक। तो आज देखते हैं कितने चक्कर लगेंगे, होप सो कल से ज्यादा मारने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं और देख सकते हैं, मतलब गर्मियों की छुट्टी पड़ रही है तो बच्चे भी मजे कर रहे हैं, क्रिकेट बज रहा है, यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है बच्चों का सुबह सुबह, तो इन्हें भी पूरा मजा आ रहा होगा क्योंकि मौसम ही इतना सुहाना हो रहा है। तो चलिए करते हैं शुरू आज का कार्यक्रम अपने 500 रुपए के शूज के साथ, ये तो चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं रुक गया, भाई साहब मजा आ गया। इस टाइम भी देख सकते हो, आपको वीडियो में पता लग रहा होगा क्या बेहतरीन मौसम है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज मैं बहुत चक्कर मार सकता था पर मैंने थोड़ा दिमाग से काम लिया कि कल के लिए फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। हल्का हल्का हमारा टारगेट यही है कि नेक्स्ट डे बेटर करना है, पिछले दिन से पसीना देख सकते हो यार। पर ऐसा लग रहा है आज ना मैं अपना काफ़ी साल पहला रिकॉर्ड तोड़ सकता था 11 चक्कर का, पर दिक्कत एक हो गई कि आज मैं जब घर से चला ना तो मैं आधा ग्लास पानी पीना भूल गया, तो उसकी वजह से गला बहुत सूख रहा था। वैसे दिक्कत नहीं हो रही थी अभी, पर वो रिकॉर्ड तोड़ने में जरूर दिक्कत हो जाती। तो देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको रोजाना बताता हूँ, ये चक्कर हमारा यहाँ से चालू होकर पूरा वहाँ से वहाँ पर ख़त्म होता है, तो ये 600 मीटर का। तो आज हमने इसके मारे हैं 4 चक्कर तो फुल मारे हैं और फिर लास्ट में वहाँ से लेके यहाँ तक आया वही 100 मीटर। तो 600 मीटर का है, 600, 600, 1200, 1200, 1200, 2400 और 100 मीटर 2500 मीटर मारे हैं। और टाइम बता देता हूँ मैं, तो मैंने 7:30 पे स्टार्ट करा था और 7:50 पे मैं पूरा रुक गया, तो मतलब देख सकते हैं 20 मिनट में 2500 मीटर, तो मज़ा ही आ गया। और इस टाइम ना ये तो ड्राई फिट वाली टी शर्ट पहन रखी है, तो पसीना बाहर नहीं आ रहा इसमें, नहीं तो अंदर से पूरा भीगा हुआ हूँ मैं। नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है, तो सोच रहा हूँ वहाँ से एक्सरसाइज भी करके चलेंगे। मतलब थकान नहीं हुई, पर मैंने सोचा यार कल के लिए ज़्यादा लोड हो जाएगा, कल ये रिकॉर्ड भी तोड़ना है। और भाई साहब सूर्य देवता के ऊपर ही है कल का। मुझे याद है सेकंड डे हमने 2 चक्कर लगाए थे, तो जब इतनी थकान हुई थी ना उससे भी कम हुई होगी आज 4 चक्कर में, क्योंकि मौसम देख सकते हैं भाई साहब क्या ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ मसूरी शिमला में आ गए। ओके गाइस, 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लिए, चल रहे हैं घर पर। भाई साहब मौसम अब भी ऐसा है ना, मन कर रहा है यहाँ पे रुक जाऊँ। मतलब सच में इन 4 दिन में ना ये तो मैंने फील करा है कि एसी से ज़्यादा ना नेचुरल चीज़ में, चाहे वो धूप हो, ठंडी ठंडी हवा हो, या फिर ऐसे ऐसे पेड़ों की छाया हो। चलो तो चलते हैं इसी नोट पे घर। मेनी आवर्स लेटर। तो गाइस फाइनली मैं शॉप पे आ चुका हूँ मम्मी के साथ और टाइम हो रहा है 6:30। दिखा देता हूँ मैं आपको मंदिर की, मंदिर कैसा लग रहा है। ये रहा अपना प्यारा सा मंदिर, छोटा सा क्यूट सा मंदिर, और इसमें भगवान जी बैठे हैं देख सकते हैं, जो शिवलिंग है ये केदार बाबा के यहाँ से लाया था मैं।
और देख सकते हैं नीम करोली बाबा और नौना धाम अपने खाटू श्याम जी की मूर्ति है। और अभी लक्ष्मी गणेश भी रखे जाते हैं मंदिर में, तो वो हम रखेंगे दिवाली पे। तो अभी अपने ये भगवान जी बैठे हैं मंदिर में हमारे काम को अच्छे से चलाने के लिए। और बाकी देख सकते हैं कूलर भी लगवा लिया है, तो कूलर भी भाई साहब अब मजा ही आ जाएगा यहाँ पे, मतलब पूरा चिल्ड माहौल रहेगा। और अपने मनपसंद शूज लेने के लिए आप जल्दी से जल्दी विजिट कर सकते हैं शॉप पे। बाकी बस अभी एक दो कस्टमर अभी अभी गए हैं और एक दो का फोन आया, तो अभी आने वाले तो उन्हें अटेंड करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा शॉप पे मैं कभी ब्लॉक करता हूँ। और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि कल से दो टाइम रनिंग करना स्टार्ट करें, शाम के टाइम भी थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करके शाम के टाइम भी एक चक्कर मार के आया करूँ। तो बाकी देखते हैं कि कैसा होगा और बाकी अपडेट करता हूँ आपको कि क्या नया चल रहा है। तो गाइस टाइम हो चुका है 8:43 और थोड़ी सी चीटिंग हो रही है, थोड़ी सी मतलब मील चीटिंग हो रही है। देख सकते हैं बर्गर खा रहा हूँ मैं और सबके बर्गर पैक हो चुके हैं। ये रही दीप और ये रही मम्मी, मतलब सबके बर्गर पैक करा लिए, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने यहीं पे लगवा ली। तो इसे खाते हैं और फिर चलते हैं, देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट बर्गर है। तो गाइस मैंने भी फिर कार में नहीं खाया था, हम घर पे आ चुके हैं और ये रहा अपना टेस्टी टेस्टी बर्गर आज। और मैं डाइट पर भी चीट कर रहा हूँ, तो कल से फुल डाइट फॉलो करने वाले हैं और रनिंग भी दो टाइम करेंगे। और टाइम हो चुका है देख सकते हैं 9 बजने वाले हैं। इसी के साथ ही ब्लॉग होता है यहीं पे खत्म। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक और कमेंट से बताने कि आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और इस तरह की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।